बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज एक बार फिर DGISPR ने कौम का वक्त बर्बाद किया और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ अपने बेवकूफ और डेंजरस डफर्स होने का दोबारा से सबूत दिया बल्कि अपने ऊपर ही एक बहुत बड़ी चार्जशीट जो है तो वो लगाई है पूरे इदारे पर। कैसे? इन साहब ने कुछ बातें की हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात, आप पिछली दो दहाइयों से पाकिस्तान में ऑपरेशंस कर रहे हैं, अपने लोगों को आप मारते जा रहे हैं, लोगों को आपने इंटरनली डिस्प्लेस किया है, उसका नतीजा क्या है? आज तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों है? और अगर आप पिछले ऑपरेशंस में नाकाम हुए हैं तो हम क्यों माने कि आपका यह ऑपरेशन कामयाब होगा? पहली बात। दूसरी बात, आपने बड़े आराम से ये बात कह दी कि सब तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें ऑन बोर्ड है और शामिल है। आपकी आंखें नहीं है या आप देखना नहीं चाहते? आपने नहीं देखा कि पूरे एक सूबे की सूबाई असेंबली ने यूनानिमसली इस ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर की है? क्या वो आपको स्टेक होल्डर्स नहीं लगते? तीसरी बात, आपने जो ये बात कही कि बॉर्डर्स पे क्राइम, स्मगलिंग और इन चीजों की वजह से पाकिस्तान में एक पैरेलल इकॉनमी चल रही है क्राइम पे, तो हुजूरे वाला ये इकॉनमी आपकी मदद के अलावा नहीं चल सकती। बॉर्डर्स पे क्या हम लोग बैठे हैं या आप बैठे हैं? अगर बॉर्डर्स पे स्मगलिंग हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर शहरों के अंदर हो रही है, अगर शहरों के अंदर क्राइम है तो शहरों के अंदर क्राइम की ड्यूटी आपकी नहीं है, इसको देखना पुलिस की ड्यूटी है। आप अपने काम से काम रखिए। चौथी बात, आपने एक दफा फिर पॉलिटिकल बातें की, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा से टारगेट किया। 9 मई का आपने दोबारा से हवाला दिया, वो भी आपने करवाया था, और ये जितने दहशतगर्द हैं ये सब के सब पाकिस्तान में आपके लाकर आबाद किए हुए लोग हैं। एक और बात आपने आज की, क्या आप इसके बाद रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और लोगों को सच बताएंगे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, यह काम आपका नहीं है। आप अपने एक्शन से साबित करें कि आप कितने सिंसियर हैं। एक्शंस तो आपके ये है कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का मेन कल्प्रिट एहसानुल्लाह एहसान आपकी नाक के नीचे से पाकिस्तान से फरार हो जाता है, आप फरार करवाते हैं उसे, और अब आप कौम को आकर यह बताते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। आप झूठ बोलते हैं। और लास्टली, आप जिन लोगों को डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं वो इस कौम को हकीकी मानों में एजुकेट कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। आपके झूठ का, आपके प्रोपेगेंडे का हर फोरम पे हम मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह जीत के बताएंगे। बहुत शुक्रिया।